आइए हम आपको यहाँ की मस्जिद की ख़ास बात, इसकी खासियत दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये जिसके वजह से इसका नाम चार अंगुल पड़ा है, ये रहा चार अंगुल का यहाँ पत्थर लगा हुआ है। कोई भी नापेगा इसको तो ये चार अंगुल आएगा, ये देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मौजूद हैं जौनपुर में, जौनपुर के पानदरीबा मोहल्ले में। तो आइए हम आपको आज चार अंगुल मस्जिद का नज़ारा दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए आपको दिखाते हैं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है चार अंगुल मस्जिद जो कि सरकी काल की बनी हुई है, और आपको आप नज़ारा दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको यहाँ की मस्जिद की ख़ास बात, इसकी खासियत दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये जिसके वजह से इसका नाम चार अंगुल पड़ा है, ये रहा चार अंगुल का यहाँ पत्थर लगा हुआ है। कोई भी नापेगा इसको तो ये चार अंगुल आएगा, ये देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे बड़ा रखे चाहे बच्चा रखे, चार अंगुल ही आएगा, इसकी यही खासियत है। और आपको हम पीछे के कुछ नज़ारे दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब जौनपुर के सिकंदर लोदी का आक्रमण हुआ था तो इस मस्जिद का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। पीछे का कुछ हिस्सा इसका टूट चुका है, आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल भी टूट के गिर गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मस्जिद पत्थर के खंभे पे टिकी हुई है। इस मस्जिद में कोई भी छत नहीं है, और ये सरकी काल का एक अद्भुत कारीगरी का नमूना है। आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये हिस्सा कुछ सामान वगैरह रखने के लिए बना दिया गया है। आप इसकी बनावट को आप देख सकते हैं, ये टूटल पत्थरों से बना हुआ है, ये मेहराब पत्थरों से बना हुआ है, जाली से हर हिस्से को कवर कर दिया गया है। ये वाला भी हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ भी यहाँ का भी कुछ हिस्सा टूट के गिर गया है।